अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और ये है लाहौर का एक और बड़ा ही शानदार शौक बनाम सरकार। लाहौर शहर के दो बड़े शौक जो उनसे हैं, पहला शौक तो पतंगबाजी है, वो आजकल हो नहीं रही, ना हो सकती है क्योंकि हमने उस शौक को तबाह कर दिया। एक दूसरा बड़ा शौक कबूतरबाजी है। लाहौर शहर में पुराने घरों में, अंदरून शहर में आप चले जाएं तो ऊंचे ऊंचे जंगले, उन जंगले और उसके अंदर कबूतर हम बचपन से देखते आए हैं। अब वहाँ मोबाइल फ़ोनों के इनके खंभों के साथ साथ ये कबूतर के पिंजरे कहीं कहीं नज़र आते हैं। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, उस्ताद पोलू तनवीर साहब उनका नाम है और वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा नाम है लाहौर शहर का कबूतरबाजी में और यहाँ पर उनका क्लेम ये है कि यहाँ जितने कबूतर हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इतने कबूतर नहीं है और इस तरह के कबूतर नहीं है। इससे ज्यादा जो मेरे पास कबूतर हैं अगर पाकिस्तान में हैं तो तादाद में मेरे पास है। तादाद में आपके पास है, ये उस्ताद का दर्जा कैसे मिलता है? देखे जी, ये उस्ताद का दर्जा तो मेहनत से मिलता है। अगर इंसान के पास कोई अगर फन है, किसी चीज की उस्तादी है, अच्छा, तो फिर वो उस्ताद है। अगर नहीं है तो वो जिंदगी। कबूतरबाजी में क्या उस्तादी होती है? कबूतरबाजी में बहुत सारी उस्तादी हैं, ब्लीडिंग की उस्तादी है और कबूतरों को उड़ाने की उस्तादी है, इनकी देखभाल की, इनकी ट्रेनिंग की उस्तादी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपकी कोई ऐसी ब्रीड है जो सिर्फ आपके पास है और कहीं नहीं है? फिरोजपुरी कबूतर जी, तो उसकी तादाद में कबूतर मेरे पास है, ना करते तकरीबन 2000 कबूतर मेरे पास फिरोजपुरी होगा। फिरोजपुरी? हाँ, वो फिरोजपुरी कबूतर कैसा होता है? मतलब ये कौन सा कबूतर है? ये फिरोजपुरी जी। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये माशाल्लाह आउट क्लास है जी, हर चीज से मुकम्मल है। इसको ये देखे माशाल्लाह, इसका पल्ला चेक करें। हाँ, ये पल्ले में क्या देखते हैं? पार के ऊपर पार बैलेंस इनका बरकरार होना चाहिए दोनों पल्लों से। ठीक है, ये उड़ता सही है माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इनके। ये हमारे फिरोजपुरी हमजा वाले कबूतर हैं। हमजा वाले कबूतर हैं? अच्छा, आपके नाम से हैं? जी जी। सर नजर थोड़ी पहचान दे कराओ दी साल की जी। जी देखे जी, इसकी पहचान इसका जिस्म है, इसका जिस्म बेहतरीन आउट क्लास जिस्म है कबूतर का ये। अच्छा, उसके बाद इसके पार आ जाते हैं, ये इसके पार कुंदा है, ये जिस तरह जैसे इस तरफ से है वैसे इस तरफ से है। और ये बाजी कैसे लगती है, ये क्या होती है? ये जैसे कि कोई पहलवान पहले मेहनत लगाता है कुश्ती के लिए तो वो अपनी तैयारी करता है, इसी तरह हम लोग जब बाजी उड़ानी होती है अपनी तैयारी करते हैं। कबूतरों को बाहर छोड़ते हैं, इनको उड़ाते हैं, इनको उड़ा के फिर इनकी केयर करते हैं, इनको ताकतवर चीज़ें देते हैं, बहुत सारी सोना कस्तूरी तक इनको खिलाते हैं। सोना कस्तूरी क्या होती है? ताद दीग है, ये आपके उस शागिर्द हैं? शागिर्द और आपके आगे से शागिर्द हैं? वो हाँ भाई, ये आपके ये दादा शागिर्द हैं ताडे? नहीं, मेरे उस्ताद ने, दादा उस्ताद ने। दादा उस्ताद ने, उस्ताद बोलू। जैसे पहलवान तैयार होता है ना कुश्ती के लिए, सेम वैसे ये तैयार होता है। वैसे ये तैयार कितना महंगा होता है कबूतर एक? ये असल में महंगा तो कोई नहीं है, ये शौक का है। अच्छा। अगर शौक में आप चाहते हैं, मैं किसी अभी पतंगबाजी का जिक्र किया, मैंने अभी फलाम बंदे से डोर लगवानी है तो कारीगर से लगवानी है, अगर वो आराम से लगाएगा तो उसकी मेहनत होगी तो वो कम लगाएगा, वो मुआवजा ज्यादा लेगा। लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे जिसको कबूतरबाजी का शौक बढ़ जाए ना वो बंदा दिख गया। नहीं, असल में ये कबूतरबाजी जो है ना ये अमीर लोगों का शौक है, गरीब का नहीं है। हाँ, लग ही रहा है जब सोने का वर्क खिलाएंगे आप उसको तो फिर तो अमीर लोगों का शौक होना। बादाम तो महंगी है कस्तूरी, सोने से महंगी कस्तूरी है। हाँ, नहीं चल के आपको और कबूतर दिखाते हैं। पर अपने पर ते पर चढ़े ने, पर सीधे आ रहे ने, इन्हां दी जिहड़ी शेप इधरों देख रहे हो, गौर नाल देखना दी शेप कितने खड़ी है, उस तों बाद तुसीं इधरली शेप ते आइओ, सेम पर है, डिफरेंट तो नहीं गा तो नहीं। फिर उस बाद इन्हों की नस्ल का अख तो पता चलता है। अच्छा, कि इन्हों की अख कैसी है, नस्ल किस ना तला है, नस्ल अख जड़ी है दी काली। हाँ जी, ए स्लेटी माइल अख है दी, देखो ना। हाँ जी, और ये अपनी नस्ल के उत्तों ही जड़े ने ना अखा ले जाते। बाजी जरा मैं समझाओ, बाजी की होंगी है? बाजी ये होंगी कि जिस तरह के भाई होनी ने इन्होंने कबूतर रखे ने, मैं रखे ने। हाँ। ए कहंदे ने कि मैं बहुत कारीगर आदमी हाँ, मेरे बड़े चंगे कबूतर ने। मैं कहना मेरे बड़े ने। अच्छा। तो एक दूसरे असी तैयारियां करके तो मुर्गे एक दूसरे हथी पाई जाने। अच्छा। तो फिर वो जो कबूतर ने किसी वेले तो इज्जत बनवा जाते हैं, किसी वेले बेइज्जत करवा जाते हैं।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30-7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮ ਸੰਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਥੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਈਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰਾ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰੀਡਰ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਮਰਤਬਾ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਕੀ ਆਫਰ ਲੋਗੋ ਨੇ ਦੀਆ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ ਸਭ ਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਕੌਨ ਸਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾ ਹਮਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਭੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹ ਕੋ ਕਹਦੇ ਕੋ 10 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਾਈਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਆ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਕੋ ਕੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਕੋ ਤਨ ਤਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡੋਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਡ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾ ਹਮ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੁੰਦੇ ਏਕ ਜੈਸੇ ਹੈ ਕੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕੁੰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਔਰ ਬੁੰਦ ਬੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਬਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਕ ਜੈਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕ ਜੈਸਾ ਇਹ ਬੜੇ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੋ ਮਹਾਰਾਜੋ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਥੇ ਰਾਜੋ ਮਹਾਰਾਜੋ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਨੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤਬ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਹਦਰ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਬਰੇ ਮੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਔਲਾਦ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੁਦ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕਾਟਦੇ ਆ ਕਿਧਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਟਾਵਰੋਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਆਤਾ ਨਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਟੀ ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਫਲਾਤੂਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜਨ ਹਮੇ ਇਹ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਜਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂੰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਕਿਨ ਕਬ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਢੂੰਡੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹਮਕੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਵਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਸਪਨੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਅਪਨੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਸੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਇਹ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਯੇ ਬਾਰੂਦ ਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ ਕੇ ਲਾਤੀ ਹੈ ਯੇ 1857 ਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਮੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਵੋ ਯਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ ਥਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਤਾ ਥਾ ਅਬ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਜੋ ਟੂਰ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਤੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਕਿਨ
कब और तेरे। कैसे हैं आप? लाहौर से हैं? लाहौर से बाहर से हैं? लाहौर से हैं। कैसा लग रहा है आपको आना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्या अच्छा। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको यहाँ पे? पसंद वाल सिटी ने जो इनोवेशन किया है और इसमें बहुत अच्छा स्टांस है रात के वक्त किले को खोलना और लाहौरियों को अपनी सकाफत को बताना कि लाहौर पहले कैसा था, मुग़ल दौर, बादशाह दौर, हिंदू दौर सब यहाँ पे बताया जाता है और बहुत अच्छे गाइड हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। बेबी है, बेबी गाइड। लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग। हमारे पास यहाँ मेहमान है जो यूके से आई हुई है, तो उनसे बात करते हैं। यूके में एक बड़ी खास चीज है, उनसे बात करते हैं, बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो आप? ठीक है। पंजाबी आंदी है हल्की फुल्की? समझ आती है लेकिन बोलने नहीं। नहीं, हल्की फुल्की जी, मतलब कार पंजाबी नहीं बोली थी, उर्दू बोली थी। उर्दू बोल दे। अच्छा, इसका मतलब उर्दू में बात करूं या पंजाबी में बात? उर्दू में। उर्दू में बात करूं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मस्जिद। यूके बड़ा बोरिंग है। यूके इज वेरी बोरिंग, इट्स ग्रे। इज इट ग्रे और नॉट? इधर हिस्ट्री ज्यादा सही है ना? आप कौन से शहर से हैं यूके के? न्यूकासल, नॉर्थ में। न्यूकासल में तो हिस्ट्री है, क्यों नहीं है वहाँ पर? कैसल नहीं है, विंडसर दूर है उससे के करीब है उसके? मुझे लगता है करीब है। वहाँ कौन सा कैसल देखा आपने? अभी भी हमें कैसल नहीं है यूके में। हाँ, न्यूकासल। आप मम्मी आई आपके साथ जी? प्लीज आप भी आ जाए। वो इतना शर्मा रही है, आ जाए आप। यूके में नहीं यूके वाले तो बिल्कुल नहीं शर्माते। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको इधर? हाँ, मस्जिद। कौन सी? पातशाही मस्जिद। और वो वाली, वो जो व्हाइट में नजर आ रही, पता है वो क्या है? नहीं। वो मोती मस्जिद है, उसकी इसकी स्पेशलिटी बताओ। वो वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जिन नमाज पढ़ते थे और जिन्हों ने बात की। हाँ, गोस्ट। मैं नहीं जा रही उधर। नहीं, अब जा चुके, अच्छे वाले हैं। ऐसे ऐसे मिथ है ये कि वहाँ पर ऐसा होता है, पक्का नहीं है, लेकिन जाके देखना। वो देखें, वाइट कलर में, मार्बल में है। और वहाँ से एक ट्रेजर बॉक्स भी मिला लोगों को, बड़ा ट्रेजर बॉक्स। खाली था। कुछ नहीं होएगा, वहाँ जाना जरूर चाहिए, वहाँ लोग जाते हैं। वो वाइट कलर में नजर आ रही है दरख्त के पीछे, वो बड़ी खूबसूरत है। और इसके अलावा और भी क्या चीज पसंद आई यार? खाना। कौन सा वाला? सारा कुछ। कौन सा स्पेशल? स्ट्रीट फूड में शकरकंदी। पेट खराब हुआ? बहुत। हाँ, ये पूछना चाह रहा था मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समोसा, चाट, पकोड़े, नान, सारा कुछ, गोलगप्पे। खा लिया और खराब हो गया पेट? वेरी नाइस, लेकिन वर्थ इट। वेरी नाइस, ये तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह पसंद आई? वैरायटी है, मुझे लगता है ये सही, ज्यादा सही है। कोई बुरी बात लगी हो जो लगे कि ये ना हो तो और भी अच्छा हो जाए? पता नहीं। हाँ हाँ, दिल को बुरा लगा हो कि सोचा हो कि यार ये नहीं होना चाहिए इधर? It shouldn't happen. इधर लोग बहुत देखते हैं। हाँ, ये तो रहा है हम में प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों देखते हैं पर देखते हैं, प्रॉब्लम है ये। दोनों लड़की और लड़का? लड़का लड़कियाँ दोनों देखते हैं। वेरी सैड यार, लाहौरियों ने तो हमें रखवा दिया, आइंदा नहीं करेंगे। मैं उनकी तरफ से सॉरी करता हूँ। यू एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? फिजा। फिजा, कोई मैसेज देना आपने किसी को? हाँ, मम्मी को दे दे, वो वहाँ जाके दे। थैंक यू मम्मा फॉर लेटिंग मी बी ऑन टीवी। ओके, यू टेक केयर। थैंक यू सो मच। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का। हम यहाँ रॉयल किचन में मौजूद हैं और इवेंट जो था स्टार्ट होने वाला है, हमारे साथ कोई मेहमान है, उनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुतालिया। अच्छा जी, मैं अमेरिका तो आया जी। वाह, लेकिन साडे बुजुर्ग कदे गुजरांवाला तों होंदे सी। अच्छा, इस किले दे अंदर ओ जरनैल होंदे सी रणजीत सिंह दी फौज दे अंदर। किले दे अंदर? इस किले दे अंदर जरनैल सन। हां जी, साडे वड्डे। हां, इत्थे आके साडे रोंगटे खड़े हो जांदे है, जिथे साडे बुजुर्ग रहंदे होंदे जरनैल होंदे सी इसी
ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਕਿਨ ਕਬ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਢੂੰਡੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹਮਕੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਵਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਸਪਨੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਥੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਨ ਲੇ ਯੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਨ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਵਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਸਪਨੋ ਕਾ ਰੰਗ ਅਪਨੋ ਕਾ ਰੰਗ ਕਹਿਕੋ ਕਾ ਰੰਗ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਯੇ ਥਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਨੌ ਇਦਾਰੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਯੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਇਵੈਂਟ ਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮੇ ਆਪਕੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਸੁਨ ਆਪਕੀ ਵਸਾਤਤ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਵਾਲੀ ਕੇ ਸਾਥ 15 ਢੋਲ ਬਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਨ 15 ਢੋਲ 4 ਗਿਟਾਰਸ 2 ਤਬਲਾਸ 2 ਢੋਲਕਸ ਐਂਡ ਫਲੂਟ ਸਿਤਾਰ ਯਾਨੀ ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਂਡ 6 ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਗਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਬਾਦੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਸਪਨੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਅਪਨੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਕਹਿਕੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਚਿਹਰੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਹਾਥੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਸੀ ਇਸਕੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਕਾ ਔਰ ਡਰਮਸ ਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੋਲ ਕਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਆਪ ਢੋਲੋਂ ਕੀ ਕਿਤਾਰੇ ਹੈ ਢੋਲੀਓਂ ਕੀ ਕਿਤਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਕਵਾਲੀ ਕਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਔਰ ਢੋਲ ਕਾ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਾਈਟ ਕਾ ਗਿਆ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਇਸਕੀ ਸਭ ਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਲੀਏ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਅਗਰ ਕਿਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਕੇ ਇਸਕੋ ਮਨਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਜੋ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚਨੇ ਪੜੇਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਿਸ ਹੋਣੇ ਪੜੇਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇ ਪਾਸਿਸ ਮੰਗਣੇ ਪੜੇਂਗੇ ਆਏ ਔਰ ਆਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਯੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੋ ਰੀਅਲ ਮਾਇਨੋ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੇਕਿਨ ਕਬ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਢੂੰਡੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹਮਕੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੈਸੇ ਆਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆਪਕੋ ਦਿ ਟੂਰ ਜੋ ਹਮੇ ਟੂਰ ਮਿਲਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹਮੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਜੋ ਕਰ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸਮੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਮੇ ਯਾ ਓਵਰਆਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਮੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਈ ਨਾਈਟ ਕੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੀ ਆਪਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਲੋ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਥਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਜ ਪਤਾ ਚਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇ ਆਜ ਪਤਾ ਚਲਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਹਮੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਾਈਟਸ ਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਢੋਲ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਕਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ अच्छा अच्छा गुड गुड जर्नलिज्म नहीं 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 पता था नहीं ओ कोई बात नहीं अब ये जाके देख लेना चले थैंक यू यहाँ पर सबसे बुरी चीज क्या लगी कोई बुरी चीज नहीं पक्का? ये लाहौर है हाँ आप कहाँ से आई हैं लाहौर से कहाँ की रहने वाली हैं लाहौर की कहाँ कहाँ इलाका बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा नहीं नहीं मतलब कौन सा मतलब अंदरून लाहौर या बाहर का लाहौर बाहर का इसका मतलब अंदरून आपने पहली बार देखा है नहीं किला जाते रहते हैं हम किला आपने इस तरह रात को पहली बार देखा रात को नहीं देखा दिन यानी रात को भी देखा हुआ है देखा एक दफा सालों पहले बट अच्छा कोई मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें यार अपनी ट्रैश प्लीज उठा के डस्टबिन में डाल दिया करो बहुत प्यारा शहर है हमारा वेरी नाइस
और अपने आर्टिस्ट से मोहब्बत करना सीखो। आर्टिस्ट से मोहब्बत करनी सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग। लाहौर लाहौर है और ये मेला जोन सा है, ये इसकी ट्रू सेंस आपको दिखाने में कामयाब रहा या नहीं रहा ये आप बेहतर बताएंगे, लेकिन अपने शहर को, अपनी जगह को, अपने लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं, आप कितनी फुल ऑफ रिच हिस्ट्री से रिच जगह पे रहते हैं जिसके अंदर कितने सौ साल पुरानी तारीख है, उस तारीख को सेलिब्रेट करना चाहिए। यही महज़ब कौमों के तरीक रहे हैं कि वो अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। ये शीश महल के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये शीशे चमकते हुए इस शहर की शान और शौकत आपको बताते हैं। ये लाहौर का शाही किला है। मेला लाहौर लाहौर है का ऑर्गेनाइज़ करना, उसको बनाना एक सही लाहौरिया ही ये कर सकता था और हमारे निगरान सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने अपने पक्के लाहौरिया होने का सबूत दिया कि उन्होंने लाहौर को सेलिब्रेट किया और लाहौरियों को मौका दिया कि आएँ विदाउट एनी कॉस्ट इसको सेलिब्रेट करें। लाहौर मेला लाहौर लाहौर है कि कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप जाके देखें कि लाहौरियों ने उस मेले को कितना इन्जॉय किया और उनको कैसा लगा ये मेला। लाहौर लाहौर है। यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग। कैसी हो? तबीयत ठीक है? आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप आपका मैं खास सुनती हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्ती। जिन्होंने लगाया उनके बारे में क्या कहेंगी आप? यही है कि अच्छा किया है, लाहौर की सकाफत को ना ये उजागर कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, ये तो बहुत बात है, आप भी एंजॉय करें। लेकिन आपका मैं बहुत फाइन हूँ। आप ना बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा। शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखा गया। बहुत शुक्रिया माज जी। मैं आपको बता, बेनाम सरकार कितनी अच्छी तरह देखती। अच्छा, और सारे एपिसोड देखती हूँ। अच्छा, हाँ। पहले बड़ी... आप बंद हो गए थे उधर से। हाँ जी, मैं बंद हो गया था, दूसरे चैनल चला गया था। बच्चा मुझे बड़ा तू पसंद है, इसलिए कि मेरे बच्चे तू हर चीज बताता है। आप दुआओं में मुझे याद रखा करें। ये बताए की कैसा लग रहा है मेला, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी बनाया ना बहुत अच्छा। हम जैसे मजदूरों के लिए भी और सबके लिए, लोगों को खुशियाँ मिल गई हैं। देखें ना, सारी फैमिलीज यहाँ पे हैं, खुश हर कोई घरों में अपसेट है किसी नए तरीके से, लेकिन ये है ना, ये बहुत अच्छा किया है। एक, एक, एक आपको खुशी थोड़ी सी मिल जाती है। इंजॉय करें, खुश रहें, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तेरी खैर रखे। बेटे क्या लगा? अच्छा, मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई हुई हूँ। पाकिस्तान पहली बार आई हो? कहाँ से आई हो? दूसरी दफ़ा मैं कोरिया से आई हुई हूँ। तो वहाँ के मैंने मेले देखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो मैंने देखी है ना सजावट, लाइटिंग, ये मैंने यहाँ पे देखा, मुझे बहुत मजा आया। कोरियन आती है आपको? जी। कोरियन जुबान में आप लाहौरियों को कोई मैसेज दे दें? कोई कोरियन जुबान में? हाँ, यहाँ पे जो खाने हैं, यहाँ पे जैसे हर ठेले पे लगे हुए जो वहाँ कोरिया में नहीं मिलता, आप यहाँ आके वो खा के एंजॉय करें। कोरियन स्ट्रीट फूड भी अच्छा होता है वैसे। जी, कोरियन स्ट्रीट फूड भी अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे मिलता नहीं है। हाँ। आप जो वहाँ पे रहते हैं और ये वाला प्यार भी नहीं मिलता जो लाहौर में, ये वाला नहीं मिलता। आप खुश रहे बेटे, थैंक यू। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। लोकी कहंदे ने कि सेहत वास्ते चंगा नहीं हुंदा, सेहत वास्ते सेहत बनांदा है। अच्छा जी। हाँ जी, जेड़ा बंदा दी सेहत नहीं ना है, वो एक महीना कतलम्मा खा ले उदी सेहत बन जाएगी। अच्छा जी। जी सर। खुदा दा वास्ता जी, किसी और नू ना कह देना ओए होए होए की भाजी की सेहत बननी है इहदे, लेकिन बड़जदार लग रहा है। इन्हें सारिया चीजें देसी हैं, मजेदार लग रहा है। मजेदार है, मजेदार बनाया इसको।
हां एक स्पेशल जो खवाओगे सानू मैं अंदरून शहर तो है बाबा जी कई खा के बड़ा हां तो फिर तो आपको तो पता होना चाहिए लेकिन एक लोकी कहंदे ने सेहत चंगा नहीं होता क्यों नहीं होता ये सब देसी खाने इसमें लगे हुए हैं दाल माश है अनारदाना पुदीना वगैरह सब कुछ होता है बाबा जी मजा हां जी कतलमा एक जिंदगी में अलग ही मजा है बेसन होता है खाने के बाद हार्ट अटैक हो सकता है नो एना दी गल ना मनना ओके सारी चीजें बड़ी मजेदार है कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग वादों का रंग मेला लाहौर है जारी है और लाहौर है की जो रंग है वो बिखर रहे हैं बहुत ही जो कहते हैं ना कलरफुल पर्सनैलिटी मेरे से खड़े हैं साईं ज़हूर साहब एक बड़ा क्लीशे है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं जहाँ ये खड़े हो जाते हैं वहाँ आप समझ लें कि रंग खुशबू और सूफीज़म जो उनसे है ना वो चल पड़ता है मैं उनसे बात अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम अल्लाह दा एहसान तबीयत ठीक है बाबे बुल्ले शाह दा करम नवाजे दाता गंज बख्श फैज़े आलम मराज़े नूरे खुदा नाक सारा पीर कामल कामला कर रहनु वाह 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 जज़ाक अल्लाह ने दसो मेला कैसा लग रहा है लाहौर लाहौर पंजाब की मिट्टी भी हाँ तो पंजाब ही खाना तो पंजाब ही पीना पंजाब तो वड्डा सब तो वड्डा मैनू और कोई जगह नहीं दी अच्छा अज लाहौर जिते किले च आके परफॉर्म करना कैसा लग रहा है किले दे काफ़ी प्रोग्राम किए पर किले दे च भी हाँ पर लाहौर पंजाब का है पंजाब की मिट्टी है ये करके रासन जाती लिया कोई शफ़े सुवाला ते जेड़ा रब ते नबी नू कासी नेकी बदी तरकला तुल गई ते जद रब अदालत बासी हत्ते पैर गवाइया देसन वे उत्थे छपया कुछ न रसी गल मुकिन सजन नाल मेरी शिकवा रब दा गल मुकिन सजन नाल मेरी विरबा तेरी रात मुक गई लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग वादों का रंग सपनों का रंग अपनों का अस्सलाम वालेकुम फियाज़ साहब वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह यार आप तो बड़े कमाल हैं थैंक यू आपने थोड़ी देर में पूरी ऑडियंस जो सी है वो झूम रही थी मोहब्बत है आप क्या सीखा आपने किस कहां से सीखा है हमने ये लाहौर से ही सीखा है आपका आपका आपकी ग्रुप का नाम क्या है वर्सटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप वर्सटाइल हाँ आपकी स्पेशलिटी क्या स्पेशलिस्ट्री एक तो हम पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल फोक डांस है वो करते हैं हमारी कंपनी ठीक है पूरे पाकिस्तान के अच्छा और प्लस ये सूफी ये क्योंकि ये भी हमारा कल्चर है मुझे सारे ही जैसे आपको सिंध के कौन से डांस आते हैं सिंधी झूमर आता है आपको हाँ। ये आपका सारा ग्रुप है भाईजान जी मैं भी इनका स्टूडेंट इनके स्टूडेंट हैं आप ये क्यों सीख रहे हैं मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज को लेके कि लोग आज भी डांस सीखने के लिए आते हैं ये जिद्दो जहद है हमारा दिल करता है कि सीखने से कुछ होगा क्योंकि हमारे उस्ताद हैं इनसे ही सीखना चाहिए क्यों सीख रहे हैं आप क्या वजह है एक रूहानी जो अंदरूनी ताकत वो मिलता है मोहब्बत मिलती है लोग आज भी डांस परफॉर्मेंसेस सीखने आते हैं नौजवान बिल्कुल वो क्या वजह है उसकी हर बंदे की अपना एक पैशन है अपनी हॉबी हर बंदे की अपनी एक च्वाइस है तो वो अपनी च्वाइस के ऊपर जो है आप क्यों करती हैं डांस मुझे पसंद है और इसमें एक दुरूद आ रही है इसमें ये एक इबादत है और इसमें एक रूद आ रही है जब आपके जब इस रूह लग जाती है ना तो फिर सब कुछ अच्छा यानी कि ये डेडिकेटेड लोग हैं आपके जी बिल्कुल नौजवान जो से हैं वो म्यूजिक सीख रही है कर डांस सीखने आते हैं जी बिल्कुल और ये मेले के बारे में आप कहेंगे ये कैसा इकदाम था मैं कहता हूँ कि जब हम स्पेशली एक तो ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा है जो ना वो मौका है उन्होंने
कि एक शाही किला जैसी एक जो नायाब लोकेशन जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलती है, प्लस उनको यहाँ पे इंटरटेनमेंट मिलती है, और उसके साथ साथ जो हमारे जैसे आर्टिस्ट फनकार लोग हैं उनको रिस्क मिलता है, उनका रोजगार का सिलसिला बन जाता है। और चूंकि ये काम जो है ये मजदूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, शौक से ये काम, शौक से और पैशन से होता है, बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग लकी लोग हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही हमारा पैशन है। बिल्कुल लकी लोग हैं, बिल्कुल है। मेरी नेक तमन्ना है और दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक आपको, और हमें जो ऑडियंस है उनको इनको देखने का मौका मिलता है जो शायद हमें पता ना चले। मैं लाहौर शहर में रहता हूं, मैंने पहली बार ये ग्रुप देखा और मैंने जब इनकी परफॉर्मेंस देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि लोगों को देखनी चाहिए, आना चाहिए। लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग। मेला लाहौर लाहौर है, खत्म होने के करीब है। मैं आपको लास्ट दिन यहाँ पर ये लेके आया हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये मेला जो है अब इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, लेकिन इस मेले की जो आवाज़ है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रही, जर्मनी तक इसकी आवाज़ गई है। हमारे दोस्त हैं तौहीद भाई, तौहीद भाई बसंत पे हमारे साथ गए थ्रू आउट, और तौहीद भाई ने बसंत का तमाम जितने भी हम कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ सालों में कि बसंत को दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसने उन्हें हमारा बड़ा साथ दिया और तौहीद भाई आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि हम बसंत बना सकें या बसंत के लिए कुछ कर सकें। उसके बाद भी इतने हादसा हुए, इतनी कीमती जाने डोर की वजह से गई कि मेरा खुद का दिल ख़राब हो गया कि मैंने सोचा यार ऐसे खूनी खेल को करके क्या करना, और हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये कर सकें। लेकिन क्योंकि हम जहाँ अपने मुल्क में मुहज़ब नहीं होते वहाँ हम बाहर जाके मुहज़ब हो जाते हैं, तो तौहीद भाई ने वहाँ पर मिंटो पार्क क्लब बनाया हुआ, तौहीद भाई काफ़ी अर्से से वहाँ पर हैं, उनके दोस्त वहाँ पर हैं, तो उन तमाम ने मिल के मिंटो पार्क क्लब बनाया हुआ, और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि मैं ये कहूँ लाहौर के लोगों से कि वो वहाँ पर मेला लाहौर लाहौर है दोबारा मनाएंगे और बसंत का फेस्टिवल वहाँ करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि वो फेस्टिवल मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ, और वो फेस्टिवल देखने के लिए हम ज़रूर जाएँ और बताएँ आपको कि सेफ बसंत कैसे हो सकती है, और वहाँ पर लोग पतंगबाजी का शौक़ रखने वाले वहाँ पतंगबाजी कैसे करते हैं। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ के साथ, एक अच्छी खूबसूरत बात के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।